जहां पर श्रीगंगानगर जिला बीजेपी की आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के कारण आज राजस्थान में आमजन ही नहीं अपितु पुलिस और पत्रकार भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल श्रीगंगानगर में ही एक पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाया जाएगा और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून ऐसा बनाया जाएगा जो कि नजीर बनेगा। दोस्तों, विधानसभा को कवर करिए, फिर उसके बाद में अलग अलग स्थानों पर इसका समापन होके और आखिर में तिथि अभी उसकी निश्चित होनी है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संस्थापक महामंत्री रहे जनसंघ के, उनकी जन्मस्थली पर एक बड़े सम्मेलन के रूप में प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में इसका समापन होगा।